फ्रेंड्स, सरिताज क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप किसी भी कार्डिगन जैकेट, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये 5 के मल्टीपल फंदे लेंगे आप, और 2 फंदे प्लस लेंगे। ये मैंने 27 फंदे लिए हुए हैं। ये देखिए, 27 फंदे लिए हुए हैं। सीधी साइड है फर्स्ट रो। क्या करना है, सबसे पहले ये फंदा मैं ऐसे ही लूँगी, उसके बाद एक फंदा उल्टा लेंगे। देखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से ये 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे करके पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे। अब क्या करना है, सेकंड रो है, ये देखिए, ये सेकंड रो है उल्टी साइड। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा मैं ऐसे ही लूँगी, उसके बाद ये जो इधर उल्टा था वो इधर सीधे हो जाएंगे, और जो सीधे फंदे थे इधर वो इधर उल्टे हो जाएंगे। अब ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, 1, धागा अपनी साइड करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2, धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो है ये अपनी, 1 2 3। लास्ट के 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी साइड, फिर से ये फंदा बिना बिने, और एक ये उल्टा फंदा। अब ये देखिएगा क्या करना है, ये उल्टा फंदा ऐसे ही उल्टा बनाएंगे, और ये धागा हम ऐसे ही रखेंगे अपनी साइड, और आगे के ये 3 फंदे इकट्ठे इस तरह से लेंगे। 1 2 3, इनको ऐसे लिया, ऐसे एक बार फंदा निकाला, फिर धागा सिलाई पर से ऐसे लाएंगे, फिर एक बार फिर से उल्टे में से इस तरह से फंदा निकालेंगे। 3 फंदे हो गए 3 के, अब इनको छोड़ देंगे। फिर हम अपने 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। अब फिर से ये देखिए, 3 फंदे लेंगे इस तरह से, 3 फंदों में से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा निकाला, धागा सिलाई पर से ऐसे लिया, फिर तीसरा फंदा इस तरह से निकाल लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए, 3 फंदों का, 3 फंदों में से एक फंदा निकाला, ये देखिए, 1 2 3, एक निकल गया। फिर धागा ऐसे लिया सिलाई पर से, फिर दूसरा फंदा, ये देखिए 3 फंदे हो गए हैं। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से आगे के 3 फंदे इस तरह से। पूरी रो इसी तरीके से हम अपनी कंप्लीट करेंगे। फंदा निकाला, धागा सिलाई पर से ऐसे लिया, और एक बार फिर से निकाल लिया।
ये तीन के तीन फंदे हमने बना लिए। अब दो फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, एक दो। अब ये तीन फंदों में से तीन फंदे बनाने हैं, एक बन गया। धागा सिलाई पर से इस तरह से लिया, दो बन गए और एक ये तीन। अब लास्ट के दो फंदे इस तरह से उल्टे। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी ऐसे ही आएगी, उल्टी जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी। ये फोर्थ रो है उल्टी साइड। ये देखिए, दो फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। उल्टी सिलाई हमारी हर बार इसी तरीके से आएगी जैसे मैं बना रही हूँ। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई में दो फंदे ये हमारे जो हैं सीधे आएंगे और तीन फंदे हमारे उल्टे आएंगे। अब आगे के दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे। ये फोर्थ रो है अपनी, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए, फिर से हमारी ये सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड फिर से अब हमने ऐसे ही बनानी है। दो फंदे हम ये स्टार्टिंग के उल्टे लेंगे, उसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे लेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही आप इसको बनाएंगे और ये आपके पैटर्न पर इस तरीके से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, और ये सीधी साइड है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।